बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद नईम आजम, सेवन मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 11 में हम आज एक्सरसाइज नंबर 8.5 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने करना है फैक्ट वाइज करना है आपने कि जो क्वेश्चन आपको दिए होंगे उनको आपने फैक्ट वाइज करना है। तो इसमें आइडेंटिटी नंबर 2 आपके पास यूज होगी। तो आइडेंटिटी नंबर 2 हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह के आपके पास आइडेंटिटी, जो आपके पास आइडेंटिटी नंबर 2 है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पास होंगे। 6 प्लस 10 का स्केयर पार्ट नंबर डी आपको दिया होगा कि 6 जो है वो आपके पास a है और m जो है वो आपके पास क्या है b है। इन दोनों का आपके पास क्या दिया होल का स्केयर। तो ये इक्वल होता है a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। जब आप फार्मूले को ओपन करेंगे तो a आपके पास आ गया 6 a का होल स्केयर प्लस फार्मूले का 2ab है, तो ये 2 फार्मूले का आ गया। अब आपके पास 6 जो है वो a है और m जो है वो आपके पास b है, ये आपके पास 2ab बन गया। ये प्लस फार्मूले का और b आपके पास क्या है m है, तो m का होल स्केयर। दोबारा देखें, 6 आपके पास a है और m आपके पास क्या है b है, तो a का स्केयर यानी कि 6 का स्केयर प्लस और 2 आपके पास आ गया फार्मूले का a और b। a आपके पास क्या है 6 है और b आपके पास क्या है m है प्लस और उसके बाद b आपके पास क्या है m का होल स्केयर। तो यही आपके पास आता है a का स्केयर प्लस 2ab और प्लस b का स्केयर। तो 6 का स्केयर आपके पास क्या आता है, जब हम 6 का स्केयर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 6 आपके पास क्या आता है 36। तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा आपके पास। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 टू द 12 m आ जाएगा और प्लस m का स्केयर आ जाएगा। और अगर आपने इसको फार्मूले के बगैर आपने इसको सॉल्व करना है 6 प्लस m का होल स्केयर, तो ये इनको आप दो बार लिख सकते हैं कि 6 प्लस m और 6 प्लस m। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म जो है आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हम पार्ट नंबर ई करते हैं, a का स्केयर प्लस 6ab प्लस 9b का स्केयर। तो ये भी इसी फार्मूले की तरह है कि पहले उसने फार्मूले को जो है वो ओपन किया हुआ है, बाद में आपने इसको क्लोज कर देना। तो a का स्केयर ये आपके पास a ही है प्लस 2 आपके पास फार्मूले का है और a आपके पास a ही है और b आपके पास 3b है। कैसे, आपने लास्ट में देखना है कि 9 है, 9 का स्केयर क्या होता है 3 और b स्केयर का b, दोनों का आपके पास आ जाएगा होल का स्केयर। ये आपके पास b है और ये आपके पास क्या है a है। तो ये आपके पास प्लस 2a और b, b a आपके पास a ही है और b आपके पास क्या है 3b, के b की जगह पे आपने क्या लिखना है 3b। जब आप इसको क्लोज कर रहे हैं तो आपने स्केयर वाली फॉर्म लेनी है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर। तो a आपके पास a आ गया प्लस, क्योंकि फार्मूले में प्लस है तो प्लस ही आएगा, क्योंकि यहां पे देखा जाता है प्लस 2 है तो आपके पास a प्लस b आ जाएगा। अगर यहां पे माइनस 2 है, माइनस 2ab आपके पास होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो आपने जब फार्मूला क्लोज करना था तो आपने ये वाली जो आपके पास स्केयर वाली फॉर्म होती है आपने इनको लिखना था a प्लस और ये 3b, इन दोनों का होल स्केयर। दोबारा आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म जिस तरह आपने पार्ट नंबर डी दी है। यहां से आपने स्टार से आपने स्टार्ट किया है फार्मूला लगाया, फिर आपने इसको जो है वो ओपन किया है। तो यहां पे पहले ओपन किया हुआ है, आपने यहां पे क्या कर दिया इसको क्लोज कर दिया। अब आप आइडेंटिटी नंबर 3 की बात करते हैं। पहले आपने किया था a प्लस b का होल स्केयर, अब आप करेंगे a माइनस b का होल स्केयर। फार्मूला वही है, सिर्फ फर्क है यहां पे साइन का कि अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर f है 5 माइनस 1 का होल स्केयर। तो 5 आपके पास क्या है a है और 1 आपके पास क्या है b है, तो a माइनस b का होल स्केयर। तो 5 आपके पास a है, a का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का और a और b ये आपके पास है और प्लस b का स्केयर। अब आपको पता है कि a आपके पास 5 है और b आपके पास क्या है 1 है, तो b की जगह पे आपने क्या
ए आपके पास 5 है और बी आपके पास क्या है 1 है, तो यहां पे बाकी आपके पास है -2ab, ए आपके पास क्या है 5 और बी आपके पास क्या है 1 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आता है 25 -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 = 10 और ये प्लस 1 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 = 1 आ जाएगा, तो 25 -10 15 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया 16। इसको भी अगर आपने फार्मूला नहीं लगाना वैसे आप करना चाहते हैं 5 माइनस 1 का स्क्वायर तो 5 माइनस 1 और 5 माइनस 1 इसको आप दो बार लिख सकते हैं। इसके बाद पार्ट नंबर है आपके पास 2p का स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 3p प्लस 12q, तो इनके सबसे पहले आपने पेयर बना लेने हैं, तो पेयर आपने कैसे बनानी है आपने वेरिएबल सेम लिखना है 2p का स्क्वायर और 3p इनको आपने इकट्ठा कर लेना है और 8pq प्लस 12q क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है क्यू आ रहा है इनमें सेम क्यू को कॉमन ले सकते हैं, तो ये इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लेना है आपके पास पी कॉमन आ रहा है क्योंकि छोटी वैल्यू आपके पास पी है वो आपने नंबर और वेरिएबल कॉमन लेना होता है जिन दोनों में सेम आ रहा हो, सेम इन दोनों में क्या आ रहा है पी वो आपने बाहर लिख लिया, उसके बाद टू वैसे का वैसे आ जाएगा और ये पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर पी मल्टीप्लाई बाय पी ये वाला पी आपने एक बाहर लिख लिया और एक आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया ये प्लस आ गया 3 और ये वाला पी आपने बाहर लिख दिया प्लस। अब आपने पहले देख रहे हैं 12 और 8 आपने वो नंबर देख रहे हैं वो नंबर आपने कॉमन लेना है कि जो दोनों पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा हो, 4 जो है वो ऐसा नंबर है जो 8 पे भी डिवाइड होता है और 12 पे भी डिवाइड होता है, तो हमने 4 है कॉमन ले लिया। उसके बाद आपने देखना था वेरिएबल आपके पास कौन सा कॉमन आ रहा है क्यू, तो आपने क्यू को भी कॉमन ले लिया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा जो चीज आपने कॉमन ली है उसको आपने इस पे डिवाइड कर देना है, 8 को 4 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 और p और ये वाला क्यू आपने कॉमन ले लिया प्लस 12 को आप 4 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3 और ये क्यू आपने कॉमन ले लिया। अब ये वाले जो आपके पास फैक्टर आ रहे हैं दो फैक्टर आ रहे हैं ये दोनों आपके पास सेम आने चाहिए, तो इन दोनों में से आपने इनको सिर्फ एक बार लिखना है, तो ये आ जाएगा पी प्लस 4q और 2p प्लस 3 आ गया। अब पार्ट नंबर जी की बात करते हैं, तो पार्ट नंबर जी आपके पास 6l का स्क्वायर प्लस 2n, तो यहाँ पे कोई भी फार्मूला जो है वो यूज नहीं हो रहा, तो इनके आपने फैक्टर रिजॉल्व कर लेने हैं। तो पहले आप इस नंबर देख रहे हैं नंबर में से आपके पास क्या चीज का मन आ रही है 6 और 2 इन दोनों को आपने डिवाइड करके देख लेना है, अगर इनका आंसर पूरा पूरा आता है तो आपने ये वाला जो छोटा नंबर होता है इसको आपने कॉमन ले लेना है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद बात बारी आती है वेरिएबल की, एल स्केयर और एल दोनों में से आप एल को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि एल दोनों में आ रहा है। उसके बाद ब्रैकेट ब्रैकेट के अब आपने 6 को 2 पे डिवाइड करना है, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा 3 वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, तो एल स्केयर है तो एल स्केयर आपके पास आ जाएगा एल मल्टीप्लाई एल, ये चीज आपने कॉमन ले ली और जो बाकी एक एल बचा ये वाला इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया ये आ गया प्लस। अब ये 2l आपने कॉमन ले लिया है तो जहां पे कुछ ना हो वहां पे आपके पास क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 वैसे का वैसे आ गया। दोबारा आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्म आ जाएगी कि 3 2 = 6 l का स्क्वायर और ये आ गया प्लस और 1 को 2l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l आ गया। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर आई x का स्क्वायर प्लस * 4 + 3 x + 12, तो पहले आपने ऐसे करना है x को इन दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3x प्लस 12, तो आपने ऐसे करना है इनके आपने पेयर बना लेने हैं, दोनों में एक कॉमन क्या आ रहा है आपके पास x कॉमन आ रही है x की 2 है 1x बाहर लिख लिया और 1x आपने अंदर लिख लिया प्लस और ये 4 आ गया और ये वाला x जो है वो आपने कॉमन ले लिया यानी कि प्लस। अब आपके पास आ रहा है नंबर 12 को आपने 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है 4, यानी कि आप लोग ये छोटा नंबर जो है ये आप कॉमन ले सकते हैं, तो 3 आपने कॉमन लिया ये आ गया x प्लस 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 4 आ गया। अब ये वाले दोनों आपके पास फैक्टर में है वो क्या आ रहे हैं कॉमन आ रहे हैं, ये यानी कि आपके पास x प्लस 3 और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं इनको आपने सिर्फ एक बार लिखना है, तो ये आपके पास आ गया x प्लस 3 और ये आपके पास आ गया x प्लस 4, तो इस तरह आप आइडेंटिटी नंबर 2 और आइडेंटिटी नंबर 3 की मुख्तलिफ तरह की आप एग्जांपल लेके
तो इनको आप इजीली आसानी के साथ कर सकते हैं। थैंक यू।